सैमसंग अपना लेटेस्ट फ़ोन लेके आने वाला है, सैमसंग गैलेक्सी A13, जिसकी इंडिया में मार्केटिंग काफ़ी अच्छा होने वाली है। इससे पहले सैमसंग A12 आया था जो कि काफ़ी अच्छा इंडिया में बिका था। तो इस आइए जानते हैं सैमसंग गैलेक्सी A13 के बारे में। कंपनी ने इसमें 6.5 इंचेस का फुल सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है, जिसमें 90 हर्ज का रिफ्रेश रेट दिया है, जिसके साथ ही इसमें ब्राउजिंग फीचर्स काफ़ी अच्छा होने वाला है। कंपनी इसमें एंड्रॉयड 11 दिया है जो कि लेटेस्ट है। कंपनी का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम One UI 3.1 है जो कि अब तक लेटेस्ट कंपनी का है। प्रोसेसर कंपनी ने इसमें MediaTek Dimensity 700 5G दिया है जो कि 7 nm के साइज़ के साथ आता है, यानी कि 5G के लिए काफ़ी अभी उतना लेटेस्ट नहीं फिर भी सही है। GPU कंपनी ने इसमें Mali G57 दिया जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी ने इसमें 2 वेरिएंट रखा है, एक 64 GB स्टोरेज के साथ 4 GB रैम और एक 128 GB स्टोरेज के साथ 8 GB रैम दिया है कंपनी। इसमें मेन कैमरा ट्रिपल सेटअप कैमरा दिया है जो कि एक 50 MP का है जो कि वाइड एंगल के लिए है, जिसे 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेकेंड है 5 MP जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है। थर्ड है 2 MP जो डेप्थ फोटोशूट के लिए है। कंपनी ने इसमें सेल्फी कैमरा 8 MP का दिया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है। और इसमें कंपनी ने बहुत सारे सेंसर दिया है, जैसे गायरो सेंसर, प्रॉक्सिमेट सेंसर सब कंपनी ने दिया है। फिंगरप्रिंट कंपनी इसमें साइड माउंटेड रखा है जो कि फ़ोन के लुक को बेहतरीन बनाता है। बैटरी इसमें कंपनी ने 5000 mAh बैटरी रखा है, जिसके साथ ही 25 वाट का फास्ट चार्जिंग दिया है। कंपनी इसमें बहुत सारे वेरियंट रखा है, ब्लू वाइट ब्लू रेड सब वेरियंट है। तो आपको फ़ोन कैसा लगा कॉमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट फ़ोन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।